हेलो, ट्यूसडेज विद मौरी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं 12th ट्यूसडे और टॉपिक था फॉरगिवनेस। फॉरगिव योर सेल्फ बिफोर यू डाई, देन फॉरगिव अदर्स। मरने से पहले अपने आप को भी माफ करो और दूसरों को भी। मौरी कहने लगे, यू नो मिश, लाइफ में जिद रखने का कोई मतलब नहीं, प्राइड। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको लेकर मेरी लाइफ से मुझे थोड़ा रिग्रेट है। यहाँ मिश का क्वेश्चन था कि फॉरगिवनेस की कितनी इम्पोर्टेंस है। कई बार हम मूवीज में देखते हैं कि जब कोई बड़े दादा या पिता डेथ बेड पे होते हैं तो अपने बेटों को बुलाते हैं और ताकि वो अपने मन का सब निकाल सकें और एक पीस दोनों के बीच हो। तो मिश मौरी से जानना चाहते थे क्या उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ है। मौरी ने कहा, एक तरफ इशारा करते हुए एक मूर्ति को देखने के लिए जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई थी और एक 40 की एज के किसी युवा की थी। मौरी ने कहा, ये मैं हूँ, एक मेरे दोस्त ने मेरे लिए ये लगभग 30 साल पहले बनाई थी। उसका नाम था नॉर्मन। हम बहुत टाइम एक साथ बिताया करते थे, हम स्विमिंग करने जाते थे, हम न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक साथ घूमते थे। लेकिन इस कहानी में एक छोटा सा सैड पार्ट है। नॉर्मन और उसकी वाइफ शिकागो चले गए और कुछ टाइम बाद मेरी वाइफ का एक सीरियस ऑपरेशन हुआ। नॉर्मन और उसकी वाइफ ने कभी हमसे मुलाकात करने की या बात करने की कोशिश नहीं की। मैं जानता था कि उन्हें ये पता है कि अभी हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं और मेरी वाइफ इससे काफ़ी हर्ट हुए और हमने वो रिश्ता छोड़ दिया। कुछ सालों बाद मैं नॉर्मन से मिला और नॉर्मन ने काफ़ी कोशिश की कि हम रिश्ता हमारा पहले जैसा हो जाए, लेकिन मैंने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मैं उसके एक्सप्लेनेशन से कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मेरे अंदर प्राइड था, मेरे अंदर एक जिद थी। मिश कुछ सालों बाद वो कैंसर से मर गया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं उसे उसके बाद कभी देख नहीं पाया, मैं उसे कभी फॉरगिव नहीं कर पाया और ये मुझे बहुत दर्द देता है। ये कहकर मौरी रोने लगे। और ये सिर्फ दूसरे लोगों के लिए नहीं है मिश, कि हमें दूसरे लोगों को माफ़ करना चाहिए, हमें अपने आप को भी माफ़ करना चाहिए। मिश कहने लगे, अपने आप को? हाँ बिल्कुल, उन सभी चीज़ों के लिए जो लाइफ में हम नहीं कर पाए, जो सब हमें करना चाहिए था। और ना ही तुम उन चीज़ों के रिग्रेट में लेकर स्टक हो सकते हो जो तुम नहीं कर पाए, क्योंकि रिग्रेट तुम्हें वहां पहुंचने नहीं देगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। मौरी कहने लगे, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपने एरिया में थोड़ा और काम करता, मैं बहुत सारी बुक किताबें लिखता और मैं नहीं कर पाया, उसके लिए मैं अपने आप को कोसता रहता हूं। लेकिन अब मैं समझ रहा हूं, अपने आप के साथ एक पीस मेंटेन करो, तुम्हें करना ही होगा, अपने आप के साथ भी और अपने आसपास के लोगों के साथ भी। फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर्स, डोंट वेट मिश। सबको मेरी तरह टाइम नहीं मिलता, सब मेरी तरह लकी नहीं होते कि डेथ से पहले उनके पास थोड़ा टाइम हो कि वो बात कर सके। मिश कहते हैं, मौरी की आंखों में देखकर मैं थोड़ा डरने लग गया था क्योंकि बहुत जल्दी मुझे उन्हें गुड बाय कहना होगा। मौरी कहने लगे, मिश, मैंने अपने शरीर को दफनाने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। कहाँ? वो जो एक छोटी सी हिल है ना, उसके ऊपर वहाँ एक पेड़ है, छोटा सा तालाब है, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत पीस है वहाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं रहूँ। एज ए डैड, क्या तुम मुझे विजिट करोगे वहाँ, सिर्फ मुझसे बातें करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब आते हो ट्यूसडे को? यू नो वी आर ट्यूसडे पीपल। तुम आ सकते हो मिश, मेरी कब्र के पास अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम तक वो आंसर्स पहुँचाऊँ। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम बोलना।
और मैं ज़रूर सुनूंगा। और अब था 13th Tuesday, टॉपिक परफेक्ट डे। मौरी चाहते थे कि उनका क्रीमेशन हो, उन्होंने अपने वाइफ के साथ ही डिसाइड किया था। मौरी कहने लगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं वो मुझे ओवर कुक ना कर दे। मौरी अब अपनी बॉडी को लेकर भी जॉक करने लगे थे। मौरी कहने लगे, हम मरने से बहुत डरते हैं ना, मतलब हॉस्पिटल में जब किसी की डेथ हो जाती है जल्दी से उसे वाइट कपड़े से ढक दिया जाता है, जैसे कोई उसे देख भी ना ले, इतना डर। हम डेथ को नेचुरल क्यों नहीं ले सकते, इट्स वेरी नेचुरल। ये जीवन के साथ हमारे उस समझौते का एक हिस्सा है। मौरी की हालत अब बहुत खराब थी, ऑक्सीजन ट्यूब हर टाइम उनकी नाक पर रहती थी। मौरी कहने लगे, मिश मुझे रात को एक सपना आया कि मैं एक ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ और आगे कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल अननोन, लेकिन मैं तैयार हूँ। यू नो, डेथ को एक अलग तरह से देखने का रिजल्ट क्या हो सकता है? अगर हम डेथ के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे और एक्सेप्ट कर लें कि एक दिन हम सबको मरना है, तो हम चीज़ें ना बहुत अलग तरह से करेंगे अपनी लाइफ में, हम मुश्किल डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएंगे। जब तक हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जब तक वो प्यार की फीलिंग हम लोगों के बीच होती है ना, हम आसानी से मर सकते हैं, क्योंकि वो प्यार हमेशा रहेगा। ऑल द लव यू क्रिएटेड इज स्टिल देयर, ऑल द मेमोरीज आर स्टिल हियर, यू लिव ऑन इन द हर्ट्स ऑफ एवरी वन यू हैव टच्ड नर्चर्ड व्हाइल यू वर हियर। डेथ से एक लाइफ खत्म होती है, रिश्ते नहीं। एक प्यारी सी स्टोरी मौरी ने सुनाई। मौरी कहने लगे, एक कहानी एक छोटी सी लहर की है, समुद्र की लहर, एक छोटी सी लहर जो बहती हुई हवाओं को महसूस कर रही थी। उसने अपने सामने देखा कि जो बाकी की लहरें हैं वो जाकर किनारे पर खत्म हो जाती हैं। ये देखकर वो छोटी सी लहर डर गई, माय गॉड दिस इज टेरिबल, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। उसके आगे जो लहर थी उसने पूछा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? उसने कहा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, हम सब खत्म होने वाले हैं, हम बस खत्म हो जाएंगे, ऑल ऑफ अस वेव्स आर गोइंग टू नथिंग, क्या ये खतरनाक नहीं है, क्या ये डरावना नहीं है? दूसरी लहर ने कहा, नहीं तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम एक वेव नहीं हो, तुम इस पूरे समुद्र का एक हिस्सा हो, पार्ट ऑफ द ओशन। और अब था 14th Tuesday, और अब था टाइम गुड बाय का। दिन बहुत ठंडा था, बहुत अजीब सा, और मौरी बहुत वीक। मौरी को जब मिश ने देखा तो वो बहुत ही बुरा महसूस कर रहे थे। मौरी का मुंह खुला था, उनकी स्किन पीली पड़ चुकी थी, बोन्स दिख रही थी और आँखों से आंसू बह रहे थे। वो बोलना चाह रहे थे बट नहीं बोल पा रहे थे। फाइनली मौरी बोले, माई डियर फ्रेंड, आई एम नॉट सो गुड टूडे, टुमोरो विल बी बेटर। मिश कहने लगे, जैसे मेरी आवाज थम गई थी। मौरी रुक रुक कर बोल रहे थे, यू आर ए गुड सोल, ए गुड सोल टच्ड मी। और मिश कुछ नहीं कह पा रहे थे। मिश कहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू से गुड बाय। मौरी ने मिश के हाथ को पकड़ा और अपनी चेस्ट पे रखा, यही तरीका था गुड बाय का। मौरी ने कहा गुड बाय अंदर से, एंड ही सेड लव यू, आई लव यू टू कोच। सैटरडे की मॉर्निंग को मौरी की डेथ हो गई। मौरी का क्रीमेशन किया गया और उनकी जो एशेस थी उसे उसी जगह पर दफनाया गया जहां मौरी चाहते थे। बड़ी खूबसूरत सी जगह,
जहाँ हरे भरे पेड़ थे, घास थी, छोटी सी हिल और एक पेड़। और मिश को याद आया जो मौरी ने कहा था, तुम बोलना और मैं सुनूंगा। ठहर मिश कहते हैं कि उसी वक्त मैंने अपने दिमाग में उनसे बात करना शुरू किया। बहुत ही नेचुरल लग रहा था। और तभी याद आया दैट इट वॉज ट्यूजडे। ये थी मौरी की कहानी, ट्यूजडेज विद मौरी। क्या आपके पास भी कोई ऐसे टीचर हैं जो आपको एक हीरे की तरह देखें और अपनी समझदारी से, अपनी विजडम से, नॉलेज से उस हीरे को चमका सकें और उस पर प्राउड फील करें? अगर हाँ तो आप लकी हैं, और नहीं अगर आपको ऐसे टीचर्स मिलते हैं तो आप लकी हैं और वो आपको रास्ता दिखाते हैं। और इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है। होप सो कि इस प्यारी सी कहानी ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। थैंक यू।